हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर गेस्ट लेक्चरर शमीरा खातून एंड दिस इज योर चैनल डिप्लोमा केमिकल इंजीनियरिंग क्लासेस। टुडे वी आर डिस्कसिंग हेयर केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स शॉर्ट नोट्स पार्ट वन। थर्मोडायनेमिक्स की बात होती है तो तीन टर्म्स बहुत यूज किए जाते हैं, सिस्टम, सराउंडिंग एंड प्रोसेस। तो सिस्टम क्या है? अ सब्सटेंस और ग्रुप ऑफ सब्सटेंस इन विच वी हैव स्पेशल इंटरेस्ट इज कॉल्ड अ सिस्टम। जैसे कि एग्जाम्पल हो गया रिएक्शन वेसल, डिस्टिलेशन कॉलम, हीट इंजन। और आपको मैं नॉर्मल तरीके से और इजी वे में अगर समझाने की कोशिश करूं तो जैसे आप घर बनाते हैं ना, तो आप घर बनाने के टाइम पे बाउंड्री बनाते हैं, ठीक है? तो बाउंड्री बनाते हैं तो बाउंड्री से पता चलता है इसके अंदर का पोर्शन आपका घर है, मतलब उतना पोर्शन, और उसके बाहर का पोर्शन आपका सराउंडिंग है। तो उसी तरह जैसे आपके घर का अंदर का जो चीज़ है वो आज सिस्टम हो गया, और बाउंड्रीज के बाहर का जो है वो सराउंडिंग हो गया। और जो सराउंडिंग और सिस्टम को अलग अलग कर रहा है वो क्या हो गई? बाउंड्रीज हो गई। तो सिस्टम की डेफिनेशन हो गई। प्रोसेस देखिए, प्रोसेस क्या है? द चेंजेस टेकिंग प्लेस विद द सिस्टम इज रिफर्ड टू एज अ प्रोसेस। अब उस सिस्टम में क्या चेंजेस हो रहे हैं वो प्रोसेस कहलाएगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल मैंने एक हाइड्रोकार्बन फ्यूल का लिया है। देखिए, हाइड्रोकार्बन फ्यूल एंड ऑक्सीजन इन अ कंबशन चैम्बर कंस्टिट्यूट द सिस्टम एंड द कंबशन ऑफ द फ्यूल टू फॉर्म वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड कंस्टिट्यूट्स आप प्रोसेस। या फिर आप ले सकते हैं यूरिया का जो प्रोडक्शन होता है। यूरिया प्रोडक्शन कई तरीके से किया जाता है। हम लोग बात करते हैं ना लैब मेथड क्या है, इंडस्ट्रियल प्रोसेस क्या है। तो इंडस्ट्रियल प्रोसेस कई तरीके से बनाया जा सकता है। जैसे यूरिया बनाने के लिए हम स्नैप प्रोगेटिव प्रोसेस यूज करते हैं टाटा केमिकल इंडस्ट्री में, जो कि अभी यारा केमिकल के नेम से फेमस है। और अब देखते हैं सराउंडिंग। मैंने आपको समझाया है, फिर भी इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द पार्ट ऑफ द यूनिवर्स आउटसाइड द सिस्टम एंड द सेपरेटेड फ्रॉम द सिस्टम बाय बाउंड्रीज इज कॉल्ड सराउंडिंग। बाउंड्रीज आपको बताया ही मैंने। बाउंड्रीज में भी आइदर फिजिकल और इमेजिनरी, क्योंकि हमें सिस्टम और सराउंडिंग को समझने के लिए एक बाउंड्री की तो ज़रूरत रहती है। वो हो सकता है कि फिजिकल हो और या फिर हम इमेजिनरी लेके सारी कैलकुलेशन करेंगे। ये मे बी रिजिड हो सकती है और मूवेबल भी हो सकती है। अब टाइप्स ऑफ थर्मोडायनेमिक सिस्टम देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पोजिशन। फर्स्ट है होमोजीनियस सिस्टम। होमोजीनियस सिस्टम में क्या होता है? व्हेन इट इज़ यूनिफॉर्म थ्रू आउट, इट इज़ मेड ऑफ ओनली सिंगल फेज, मतलब सिर्फ सिंगल फेज यूज होगा और यूनिफॉर्म होगा पूरी तरीके से। जैसे आप प्योर सॉलिड एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, या मिक्सचर ऑफ गैसेस ले लीजिए। मिक्सचर ऑफ गैसेस क्यों? अलग अलग गैसेज होंगे, आप कहेंगे तो फिर ये कैसे होमोजीनियस हुआ? पर है तो गैसेज ही ना, लिक्विड और सॉलिड तो हमने मिक्स नहीं किया ना। सॉलिड है तो प्योर फॉर्म में सॉलिड है, मिक्सचर है तो वो गैस का मिक्सचर है, तो कौन सा फॉर्म हुआ? होमोजीनियस सिस्टम हुआ। इसी तरह सेकंड देखते हैं हेटरोजीनियस सिस्टम। व्हेन इट इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, यानी कहीं पे भी जरूरी नहीं है, मतलब कहीं पे भी वो यूनिफॉर्म नहीं होगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेस। जैसे हम आइस वाटर ले रहे हैं, आइस वाटर में देखें ना, वाटर भी है सेम टेम्परेचर पे और आइस क्यूब्स भी है, यानी सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों अवेलेबल है। टू और मोर इमिसिबल लिक्विड ले लें, जैसे कि हम तेल और वाटर का मिक्सचर ले लें, तो तेल अलग अलग तैरता है, पानी अलग अलग तरह अलग अलग रहता है, तो वो कौन सा सिस्टम हो गया आपका? हेटरोजीनियस सिस्टम हो गया। और एक और तरीके से इनको डिवाइड किया गया है सिस्टम्स के बेसिस पे। ओपन सिस्टम कैन एक्सचेंज मैटर एंड एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग। जब हम एनर्जी और मैटर सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं तो वो ओपन सिस्टम कहलाएगा। वाटर बॉइलिंग इन ओपन वेसल, यानी हम किसी पैन में वाटर बॉयल कर रहे हैं तो वो कैसा है सिस्टम? ओपन सिस्टम है। तो क्लोज सिस्टम में क्या होगा? कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी एंड नॉट मैटर विद इट्स सराउंडिंग, यानी हमने एनी केमिकल रिएक्शन इन क्लोज वेसल। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, कैसे कोई भी रिएक्शन केमिकल क्लोज वेसल में हो रही है तो उसमें क्या हो रहा है? एनर्जी तो मतलब आपकी एक्सचेंज हो रही है, बट जो मैटर है वो एक्सचेंज आपका नहीं हो रहा है, इसलिए इसको हमने क्लोज सिस्टम कहा है। आइसोलेटेड सिस्टम में क्या होगा? कैन एक्सचेंज नाइदर
मैटर नॉर एनर्जी विद इट्स सराउंडिंग, यानी आइसोलेटेड सिस्टम में ना तो ही हम एनर्जी इधर उधर करेंगे और ना ही मैटर इधर उधर करेंगे, मतलब कुछ भी एक्सचेंज नहीं होगा, बिल्कुल क्लोज्ड होगा और आइसोलेटेड होगा, क्लोज सिस्टम विद एडियाबैटिक वॉल्स, जब हम एडियाबैटिक वॉल्स का यूज करते हैं ना तब। अब कुछ टर्म्स हैं इनमें थर्मोडायनेमिक में, फंक्शंस हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। स्टेट फंक्शन की बात की जाए तो क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस डिस्क्राइब इट्स प्रेजेंट स्टेट एंड डू नॉट गिव अ रिकॉर्ड ऑफ इट्स प्रीवियस हिस्ट्री। यानी अगर हम बात करें कि जैसे पीवीटी है तो ये स्टेट्स हैं, प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर के बेस पे कोई भी है ना, किसी का भी हमने मतलब ले लिया, ये प्रेजेंट टाइम पे यहाँ पे इस प्रेशर पे, इस वॉल्यूम पे, इस टेम्परेचर पे इसका कौन सी स्टेट है, तो कहाँ पे उसकी क्या लोकेशन है, क्या उसका क्या स्टेट है, क्या किस तरह से बिहेव कर रहा है उस प्रेजेंट टाइम पे, वो क्या होगा, स्टेट फंक्शन होगा। और पाथ फंक्शन क्या हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क अकम्पनिंग अ गिवन चेंज इन स्टेट वेरी विद द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। यानी हमने अभी स्टेट फंक्शन में क्या पढ़ा कि जो स्टेट है वो किसी भी अननोन टेम्परेचर प्रेशर एंड वॉल्यूम पे क्या उसकी स्टेट है, वो हो गया हमारा स्टेट फंक्शन। अब पाथ फंक्शन होगा जो इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेज तक जा रहा है, मतलब पूरा एक पाथ होगा, पूरा एक साइकिल होगा। यानी वैल्यू ऑफ हीट एंड वर्क, यानी हीट और वर्क जो हैं, गिवन चेंज इन स्टेट वेरी विद द पाथ फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल स्टेट। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट। जहाँ पे बिल्कुल आप इसको याद करने के लिए कैसे याद रख सकते हैं कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बोला है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट होगा, आई आई दोनों में होता है, इंडिपेंडेंट के स्पेलिंग में भी आई आता है, इंटेंसिव में भी आई आता है, तो क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंट इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए आप टेम्परेचर, प्रेशर, कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी। और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो वो डिपेंड करेगी किस पे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के, सिस्टम में कितना अवेलेबल है, जैसे कि मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, आपका एनर्जी हो गया। अब इसको फर्दर और अच्छे से समझने के लिए क्या करते हैं, हमने एक एक्स और वाई लिया, एक्स वाई कुछ है प्रॉपर्टीज है, तो उसकी ये इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। अगर हम दो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज को जोड़ते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, या फिर दोनों को डिवाइड करते हैं, या फिर उनका पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं, डेबर एक्स अपॉन डेबर वाई, ये आपने मैथ्स में तो पढ़ा ही होगा, तो ये सारी प्रॉपर्टीज अगर इस तरह सॉल्व करेंगे तो हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ही मिलेंगी। ये प्रॉपर्टी है इंटेंसिव प्रॉपर्टी की, कि अगर हमने उनको ऐड किया, मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया या पार्शियली डिफरेंशिएशन किया तो वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज ही देंगी। और अगर हमने ए और बी लिया जो कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, तो जब ए और बी को जोड़ेंगे तो हमें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज तो मिलेगी, बट जब हम ए डिवाइडेड बाय बी या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे दोनों का, डेबर ए अपॉन डेबर बी, तो ये हमें इंटेंसिव प्रॉपर्टीज देगा। यानी ये डिफरेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। The condition of system at any instant of time is called its state. यह भी आपको मैंने बताया, state variables are pressure, temperature, volume, number of moles, internal energy, entropy, Gibbs free energy, etc. यह आपके state variable के examples हो गए। A system is said to be undergoes a cycle if it return to its initial state at the end of the process. Obviously cycle process है तो क्या होगा, initial state से लेके जहाँ से उसने शुरुआत करी है वो वहीं से घूम फिर के वहीं आ जाए। यानी आप अपने घर से चले और आपने अपने घर से जाके कहीं पे भी गए, फिर उसके बाद वापस अपने घर आए ना, तो वो initial state से आप finally अपने घर आ रहे ना, तो इस तरह वो end of process हो गया ना, तो वो हमारा cycle, मतलब एक cycle complete हुआ। A system goes one equilibrium state to another equilibrium state, the operation is called a process. ये भी अभी मैंने discuss किया आपके साथ में। A series of states through which a system passes during a process is called the path of the process. ये भी discuss कर चुकी हूँ आपसे।
अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में सबसे पहला हम देखेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस। जब टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो हम इसका डीटी इक्वल्स टू जीरो लेंगे। आइसोबारिक प्रोसेस की बात करें तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होगा, प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, डीपी इक्वल्स टू जीरो। आइसोकोरिक प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम, कोरिक मतलब वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, आइसोकोरिक प्रोसेस इक्वल्स टू डीवी इक्वल्स टू जीरो, यानी कांस्टेंट वॉल्यूम रह गया। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होगा, देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इट कैन बी सेड दैट द सिस्टम इज थर्मली आइसोलेटेड, तो इसमें क्या हो जाएगा, डी क्यू इक्वल्स टू जीरो पुट करेंगे। साइक्लिक प्रोसेस को हम इस तरह दिखा सकते हैं, देखिए एक साइकिल इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया कुछ भी, ये गए यहाँ से स्टार्ट किया, गए 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 फिर से वहीं वापस आ गए, तो क्या होगा, द सिस्टम रिटर्न टू इट्स इनिशियल स्टेट आफ्टर गोइंग थ्रू आउट एनी नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, तो इसमें क्या होगा, डी यू आपका जीरो हो जाएगा, डी एच आपका जीरो हो जाएगा। अगर कोई थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें, कोई सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में है, तो वो तीनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, थर्मल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए, और केमिकल इक्विलिब्रियम में भी होना चाहिए। थर्मल इक्विलिब्रियम की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे, इफ देयर इज नो एक्सचेंज ऑफ हीट, मतलब कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है हीट का बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग विद इन द पोर्शन ऑफ द सिस्टम, यानी कोई भी एक्सचेंज नहीं होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम यानी कोई एक्सचेंज नहीं है हीट का। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में क्या होगा, इफ नो मैकेनिकल वर्क इज डन, यानी कोई मैकेनिकल वर्क नहीं है, बाय वन पार्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द सिस्टम विच कैन बी अचीव्ड बाय कीपिंग प्रेशर कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम, यानी हमने प्रेशर को कॉन्स्टेंट रखा है और कोई भी मैकेनिकल वर्क नहीं हो रहा है पूरे सिस्टम में, वो मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो इफ द कंपोजिशन ऑफ ऑल द फेजेस रिमेन्स कॉन्स्टेंट थ्रू आउट द सिस्टम इज सेड टू बी द केमिकल इंजिन केमिकल इक्विलिब्रियम। तो थर्मोमीटर और इनके बीच में देख लेते हैं कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज को फॉलो करते हैं। तो थर्मोमीटर की अगर बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर, प्रेशर उसमें जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है प्रेशर के थ्रू मेजर किया जाता है। कांस्टेंट प्रेशर गैस अगर होगा तो उसमें क्या होता है, थर्मोमीटर है तो उसमें वॉल्यूम के थ्रू मेजर करेंगे। अल्कोहल और मरकरी बेस्ड है गैस में तो उसमें लेंथ के बेस पे करते हैं। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस बेस है तो उसमें रेजिस्टेंस थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। थर्मोकपल अगर थर्मोमीटर है तो उसमें इलेक्ट्रोमेट उसकी आपकी थर्मो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है। रेडिएशन पायरोमीटर है तो इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी हो गई। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स तो इसमें क्या है, इफ बॉडी ए इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी बी एंड द बॉडी बी इज इन द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम या थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी, देन द बॉडी ए विल ऑल्सो बी द थर्मल इक्विलिब्रियम विद द बॉडी सी। अगर मान लीजिए ये आपकी बॉडी ए है, ठीक है, ये किसके कॉन्टैक्ट में है, ये बॉडी बी के कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। अब ये बी बॉडी के जो कॉन्टैक्ट में है, ये बी बॉडी किसी सी के कॉन्टैक्ट में है, तो अब आप समझिए ये आपका ए बॉडी, ये बी बॉडी, ये सी बॉडी हो गया, राइट। तो ए थर्मली इक्विलिब्रियम किसके साथ में है, बी के, और जो बी है वो सी के साथ में है थर्मली इक्विलिब्रियम के, तो जो ए और सी है ये भी आपस में थर्मली इक्विलिब्रियम में होंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की बात करें तो क्या होता है इसमें, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एनर्जी ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, हम लोगों ने स्कूल टाइम में बहुत पढ़ा है। वेन एवर एनर्जी डिसअपेयर इन द सेम फॉर्म एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी अपेयर इन अनदर फॉर्म, यानी एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। द टोटल मास एंड एनर्जी ऑफ अ आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन सेम। इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ परपेचुअल मोशन मशीन, अ मशीन विच कैन प्रोड्यूस एनर्जी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी।
अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक की इक्वेशन कैसे आई है और कहाँ से आई है और कैसे इसके बारे में इसके जानने की कोशिश करेंगे। द चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू द एलजेब्रिक सम ऑफ हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम एंड वर्क डन इन दिस प्रोसेस। यानी डेल्टा यू आपका क्या है यहाँ पे, इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सब्सटेंस, और क्यू क्या है आपका, हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है, और W क्या है, वर्क डन इन द प्रोसेस। ये इक्वेशन किसके लिए है, किसके लिए लागू हो रही है, स्टेडी स्टेट नॉन फ्लो प्रोसेस के लिए। अब यहाँ पे साइन का बड़ा लोचा रहता है, Q आपका नेगेटिव हो सकता है, W आपका नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, दोनों ही नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकते हैं। तो वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे होंगे, इफ वर्क इज डन ऑन द सिस्टम, मतलब ऑन द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, इट इज टेकन एज पॉजिटिव, जो कि मैंने इक्वेशन में पॉजिटिव लिया है, ठीक है। इफ वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, इट इज टेकन एज नेगेटिव। इफ हीट क्यू इज ऑब्जर्व बाय द सिस्टम, अगर सिस्टम के द्वारा ऑब्जर्व की जा रही है तो ये पॉजिटिव ली जाएगी। इफ हीट इज रिलीज बाय द सिस्टम तो ये नेगेटिव ली जाएगी, अगर सिस्टम के थ्रू रिलीज की जा रही है तो ये नेगेटिव ली जाएगी। अब इसका जो डिफरेंशियल चेंजेस होते हैं उसकी भी तो इक्वेशन देख लीजिए। अगर डिफरेंशियल चेंजेस इन द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ अ क्लोज सिस्टम, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, डिफरेंशियल फॉर्म में इस इक्वेशन को लिखेंगे। तो डी यू इक्वल्स टू डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू। अब यहाँ पे माइनस क्यू लिया है मैंने, अभी आपको ये सब बता दिया है, सेम वही है, प्लस माइनस का आपको देखना है कहाँ पे कौन सा प्लस लगेगा, किस वजह से प्लस लगेगा, माइनस किस वजह से माइनस लगेगा। इक्वेशन को आपको बहुत ही केयरफुली रीड करना है कि ऑन द सिस्टम है कि बाय द सिस्टम है, सारा खेल ऑन और बाय का ही है। अब देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की इक्वेशन आई कहाँ से। तो लॉ के हिसाब से क्या होता है, जो एनर्जी सिस्टम की होगी वही सराउंडिंग की एनर्जी होगी, दोनों को हमने बराबर में लिख दिया। डेल्टा ई सिस्टम इक्वल्स टू माइनस डेल्टा ई सराउंडिंग, तो डेल्टा ई एस वाई एस क्या है, टोटल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम, एंड डेल्टा ई सराउंडिंग क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ द सराउंडिंग। अब सराउंडिंग की इक्वेशन क्या होगी, माइनस क्यू प्लस डब्ल्यू, और डेल्टा ई सिस्टम क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन, और डेल्टा क्या है, चेंज को डिनोट कर रहा है। तो अब ये वाली इक्वेशन को और ये वाली इक्वेशन को एक साथ पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी एंड इंटरनल एनर्जी इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। पर यहाँ पे स्टेडी स्टेट नॉन फ्लो प्रोसेस है तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ले लिया जाएगा, तो जो आपको इक्वेशन मिलेगी वो क्या हो जाएगी, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू माइनस डब्ल्यू। डेल्टा यू आपका चेंज इन इंटरनल एनर्जी है, डब्ल्यू आपका वर्क डन है, और क्यू जो है वो हीट ट्रांसफर टू द सिस्टम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। If you want more videos, then subscribe and like and share. और हाँ, bell icon click करना मत भूलिएगा।